सर आपका व्यू व्यू ऑन सेकंड चांस चाहे लाइफ में हो चाहे मार्केट में हो किस बेसिस पे होना चाहिए जैसे आपने एक बार बुलेटिन में बताया था कि लाइफ में हो चाहे चार्ट में हो कभी भी एक कैंडल पे देख करके डिसीजन नहीं लेना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो सेकंड सेकंड चांस देने का फिर क्या बेसिस होना चाहिए अगर सेकेंड चांस देना है तो मैं समझ पा रहा हूँ आप कहा से क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे आ, आपकी लाइफ से कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं मैं समझ पा रहा हूं इतना तो मैं चेहरा रीड कर लेता हूं का <laughs> तो मैं आंसर दे देता हूं उसी फॉर्म में आप जैसे पूछना चाह रहे हो उसी फॉर्म में दे देता हूं <laughs> नहीं सर किसी भी फॉर्म में दे दीजिए मैं सही फॉर्म में ही दूंगा आप चिंता मत करो <laughs> लाइफ के अंदर हो या स्टॉक मार्केट में हो मेरा अपना ये मानना है कभी भी किसी भी चीज के एक मूवमेंट के ऊपर एक कोई उसकी बात के ऊपर एक कोई उसकी सोच के ऊपर एक कोई उसके मूव के ऊपर डिसीजन मत निकालो कि मुझे इसके साथ रहना है या नहीं रहना है आदर स्टॉक या लाइफ में आपकी कोई हो एक मूवमेंट जो है वो किसी भी मूवमेंट में भी आ सकती है जिस दिन आपने उस स्टॉक के ऊपर विश्वास किया था जिस दिन आपने उस स्टॉक को लिया था उस दिन आपने जरूर कुछ ना कुछ ऐसा देखा होगा जो आपको उसमें अच्छा लगा होगा अपने से यह प्रश्न पूछो कि इसके एक इस मूव से क्या वो अच्छाई खत्म हो रही है इसकी अगर आंसर आता है कि वो अच्छाई खत्म तो नहीं हो रही लेकिन ये मूव मुझ भी मुझे पसंद नहीं आया ऐसा भी हो सकता है ना कि वो अच्छाई खत्म तो नहीं हो रही लेकिन मुझे ये मूव मुझ भी पसंद नहीं आया उस मूव को अपने बैक ऑफ द माइंड यहां रख लो एक्शन मत लो कोई दोबारा वेट करो क्योंकि अगर वो स्टॉक अगर नाकारा है इसको इंसान में भी ले सकते हो अगर हुँ। वो स्टॉप अगर नाकारा है तो वो दोबारा जरूर करेगा <laughs> अगर वो नाकारा है वो दोबारा जरूर आदमी अपनी एक बात आशीमा मेरी बात याद रख लेना ज़िंदगी में। इंसान अपनी सोच चेंज नहीं कर सकता किस्मत बदल सकता है वो अपनी वो अपनी नियत नहीं नहीं उसकी जो नीयत है ना वो कभी नहीं बदल सकता उसकी जो फितरत कहता हूं मैं फितरत वो अपनी फितरत नहीं कर सकता अपनी किस्मत बदल सकता है वो अपनी फितरत नहीं बदल सकता, दोबारा दिय... वो अगर वो, अगर जिस दिन करे ना उस दिन पकड़ गर्दन से तो अब मैं इसी का तो इंतजार कर रही थी तू तो तो कर एक बार दोबारा और क्योंकि पहले वाला मेरा <laughs> फिक्स है उसको मैंने हटाया नहीं था अपने दिमाग से वो कैंडल मेरे छपी हुई है यहां पे अभी अब तूने तो दूसरी कैंडल और बना दी अब तो हो गया स्टॉप लॉस हिट पर अब गेट में तो में। आने दो बस उसके बाद में दोबारा उस पर विश्वास नहीं करना चाहे वो जमीन पे लेट जाए चाहे वो पैर पकड़ ले स्टॉक नहीं।, नहीं जी गलती हो गई मेरे से मैं तो गलती से बन गई कैंडल मुझे पीछे से किसी ने धक्का मार दिया था कब अब घर जाओ और कई बार ये होता है कि दो कैंडल के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते में पर पर पर। कई बार दो कैंडल के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि दूसरी कैंडल पहले की कॉन्टीन्यूशन होती है ये दोनों मैं आपको ना क्लियर नहीं बता रहा क्योंकि मुझे पता है आप क्लियर सुनना नहीं चाहोगे और यहां और ये वीडियो यूट्यूब पर जाना है लेकिन कई बार दूसरी कैंडल पहली कैंडल की कॉन्टीन्यूशन होती है इसीलिए कई बार दूसरी कैंडल के ऊपर भी सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए तीसरी कैंडल का वेट करो लेकिन तीसरे के बाद तो भगवान आ जाए ना भगवान भी आ जाए अगर तो कहो जी ये मेरे हाथ जुड़े हैं जी बात खत्म दो गलती दो गलती तीसरी गलती में तीसरी, है। तीसरी साफ <laughs> तीसरी गलती में साफ है वो आदमी मेरी अपनी जिंदगी का असूल है कि मैं दूसरी तक कोई एक्शन नहीं लेता मेरा अपना सूल है बाकी हर एक का अपना हो सकता है मेरा अपना है। मैं दूसरे तक कोई एक्शन नहीं लेता लेकिन उन दोनों को अपने दिमाग में ना रख लेता हूं स्टोर करके छाप के और तीसरी गलती पे तो उसको मैं सेकंड का मौका नहीं देता तो सेकंड का मौका नहीं दस मतलब ताकि वो होश में भी आ पाए संभल भी पाए वो आदमी या वो स्टॉक इतनी इतना मौका नहीं देता उसको मार्केट का रेट रख के भर के माल मारता हूं सीधा जितना मेरे पास पड़ा हुआ रेट भी नहीं देखता किस रेट में माल बिक रहा है मेरा मार्केट रेट मारता हूं मार्केट रेट जीरो करके सौदा मारता हूं जिस रेट में बिकेगा बिक भीक जाए नीचे का बीस परसेंट का सर्किट लगेगा बिकना है बिक जाए अब नहीं रखना ये स्टॉक वो सोच अपनानी है कि एक बार अगर वो ट्रिगर हो गया ना पॉइंट उसके बाद तो कुछ भी हो जाए और फिर ये कानून भी मेरा वहीं से आया है जो एक बात आपसे शेयर करता हूं ना उस को, आपको ये लग रहा लेकिन याद रखना फ्यूचर में जाके आपको समझ आ जाएगी वो छोटा था उस दिन क्योंकि आपने वो तीसरी गलती में पकड़ लिया उसको नहीं तो ये गलतियां तीन सौ हो जाएगी किसी दिन और वो काटा नहीं जाएगा फिर मान फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जाओगे जिंदगी में आप फिर वो ढो गया सारी जिंदगी उसको आप साथ ना कट पाएगा वो माल ना रख पाओगे सारी जिंदगी ऐसे कटेगी अपना बाबा जी का नाम लेकर जय माता की खत्म ठीक है मेरा ख्याल में आपका आंसर मिल गया होगा मिल गया ना अब डिसीजन उसी हिसाब अब अब जो भी डिसीजन लेना उसी हिसाब से ले लो <laughs> सर आपका बर्थडे कब होता है मेरा संडे को है सच में सर थर्टीन को अभी तक तो सच में बाकी फादर मदर से दोबारा पूछ लूंगा कन्फर्म कर लूंगा पता नहीं हो सकता है गलत बताया उन्होंने हमने बुलेटिन में बोला था नहीं नहीं मेरा बर्थडे नहीं है कंफ्यूज कर दिया था अरे बारह को आता है मेरा बारह को है संडे को है ट्वेल्थ सितंबर लेकिन करोगे क्या अच्छा सर आपके लिए सब... हाँ बताओ बताओ सर आपके लिए गिफ्ट है सरप्राइज है गिफ्ट है हाँ। दे दो कोई गेम टाइम। तो सर आपके लिए मैंने पोर्ट्रेट बनाया था आपका अरे वाह जी वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गुड 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 ठीक आप अच्छा पे आप वो आर्टिस्ट हो ना आप बहुत अच्छी बहुत बढ़िया अब ये मुझे दोगे कैसे फिर आप मिलना है मुझे आज अच्छा मिलके देना है अरे मिलके कैसे दोगे चलो मेरी टीम से बात करने का रीजन इसको तो रीजन बताऊँ तो मैंने ये इसमें सब कह रहे थे बंदे क्यों करी। रीजन हाँ। बताना चाहूंगी सर दिखता है। इसमें सुकून है चेहरे पे <laughs> वो तो मेरा हमेशा रहता है मैं हमेशा हंसता रहता हूँ <laughs> चलो बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाकी मैं अपनी टीम से बात करूंगा देखो हमारा आपस में मिलने का तो पता नहीं कब बनेगा संभव होगा लेकिन अगर आपकी श्रद्धा हो तो आप हमारे को कुरियर करा सकते हो मुझे बहुत अच्छा लगेगा लेकिन फिर कभी मिलने का बनेगा तो बना लेंगे ठीक है